हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो आया रोलर आया है। तो आया रोलर का जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए साइड में आया है। आया रोलर खड़ा है तो इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखना है। तो इसका पूरा डीजल लाइन चेक किया तो डीजल लाइन अच्छा है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। चेक करेंगे इसका फॉल्ट क्या है, चलो आगे देखते हैं। इसमें जो इंजन लगाए वो कमिंस इंजन है, सुबह स्टार्ट हुआ था फिर बंद हो गया है। अभी बंद होने के बाद अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो डीजल लाइन अब तो पूरा चेक अच्छा है, तो उसका दूसरा फॉल्ट हम आगे जाके देखेंगे क्या फॉल्ट है। अभी इसका फॉल्ट है ये जो हम किकर मार रहे हैं, तो इधर से डीजल रिटर्न डायरेक्ट टैंक में जा रहा है, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका जो रिलीफ वाला आता है ये वाला, ये डायरेक्ट हो चुका है, तो हवा मारने से लीक हो जा रहा है। इधर से हवा मारने से इधर से लीक नहीं होना है, इधर से लॉक होना है, ये डायरेक्ट हो गया है इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको चेंज करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ के लिए इंजन स्टार्ट नहीं होता है, इस सब के ध्यान देना चाहिए। तो इसको नया मंगाएंगे और डाल के चेक करेंगे। डैम का काम चल रहा है, सामान लाने में थोड़ा एक घंटा लगेगा, उसके बाद उसको लगा के स्टार्ट करेंगे। सेवा हुआ कहीं ना, ये हमारा सामान आ गया। नाटा एंजॉय जो नाटा नया सामान आ गया है, ये देखिए महेंद्र ग्रुप लेके आ गया। थोड़ा यार निकाल के टाइट कर देना है, हार्ड हो गया। ये स्टार्ट टाइट हो चुका है, अभी किक मार के इंजन स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा इंजन चालू हो गया। इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।